Facing allegations of corruption, a besieged Nitin Gadkari may have been pulled out of campaigning in Himachal Pradesh, but he hit home turf Mumbai to a massive show of strength. Gadkari flexed muscle on home turf and said all charges against him are baseless. He's ready to stand any probe and will come clean. Local BJP leaders prepared a massive show of strength for Nitin Gadkari. There were huge banners, posters and crowds had gathered to welcome Nitin Gadkari, who reached Mumbai this morning. Gadkari junked allegations of holding Benami flats in Adarsh or any role in the Maharashtra irrigation scam. More importantly, Gadkari said that he has no business links with Sharad Pawar or Ajay Sancheti. He also said that he is willing to be probed, but what about Congress chief Sonia Gandhi's son-in-law, Robert Vadra, who faces similar charges. फिर ये दिखाया कि मैं शरद पवार और अजय संचेती का पार्टनर, शरद पवार के साथ मेरे कोई संबंध नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, अजय संचेती के साथ मेरे कोई संबंध नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, ये भी आरोप झूठ हुआ। महिला और वहां के अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया, हमारा जो शेयर फैक्ट्री का एरिया है वहां एक वेस्ट लैंड पड़ी थी, वो वहां वेस्ट लैंड एक एनजीओ को मिली थी और 50,000 रुपए किराए से मिली थी और मैंने किसानों की जमीन हड़पी है, इस प्रकार का देश भर में प्रचार किया गया। वो जमीन आज भी महाराष्ट्र सरकार के नाम पर है और जिस किसान की बात की वो भी अपने जमीन पर वही कायम है, फिर भी झूठ दिखा दिखाकर पूरे देश में India Against Corruption had earlier come out with a slew of allegations against Nitin Gadkari in Maharashtra irrigation scam. Manish Sisodia now joins us on the phone line. Mr. Sisodia, your first reaction, are you satisfied with the explanation that's come out from Nitin Gadkari? देखिए, मैं सेटिस्फाई होने से या नहीं होने से तो सिचुएशन नहीं बदलेगी। गडकरी साहब जब या उनके कहने से कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और मेरे ऊपर सीटा किसी हो रही है या ये साजिश हो रही है, ये कहने से भी सिचुएशन नहीं बदलेगी। सिचुएशन तो बदलेगी कि उनकी कंपनियों की, उनके पूरे जो मसले उठाए गए हैं पिछले कुछ दिनों में, तीन मुद्दे बड़े उठे थे। उन्होंने बांध बनाने वाली कंपनियों के पक्ष में भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी और उनको जल्दी पेमेंट कराने के लिए कहा था, और वो भी ऐसे मामले में जबकि ना कोई काम हो रहा था ना कुछ, उसके बारे में उनका कोई स्पष्टता नहीं है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज उठी थी कि उनकी कंपनियों के बारे में, जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो ठेके दिए उन ठेकों को लेने वाली कंपनियां बाद में उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं और पूरा एक बिजनेस का नेक्सस दिखता है। इस जवाब उनको इस पे देना चाहिए। हर आदमी ये कहता है साजिश हो रही है, नेताओं के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि जब भी उनके भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगता है तो वो दो ही लाइन बोलते हैं। पहली लाइन होती है कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दूसरी लाइन बहुत बड़ी होती है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश हो रही है। नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर होता ही लोकतंत्र कमजोर होने लगता है और उनके खिलाफ साजिश होने लगती है, आम आदमी दुखी रहता है। तो मुझे लगता है कि हमारे सेटिस्फाई होने होने से नहीं है, जो तथ्य देश के सामने आए हैं उन पर उनको कुछ बताना चाहिए और उनको दूध का दूध पानी का पानी होने देना चाहिए। जांच हो रही है तो जांच करवाएं जी। ये उनकी बात से मैं सहमत हूँ, एक मिनट, ये उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि जितना कांग्रेस तत्परता दिखा रही है नितिन गडकरी के लिए, उतनी उनको वाड्रा और सलमान खुर्शीद इन सबके मामले में भी दिखानी चाहिए। उनके 15 मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे उनके ऊपर भी दिखानी चाहिए जी। क्या आप, जो इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है, आपको विश्वास है कि वो फ्री एंड फेयर प्रोब होगा? आप बात कर रहे हैं कि नितिन गडकरी एक तरह से प्रोब के लिए बार बार खुद इसका प्रोब के लिए मांग करते हैं नितिन गडकरी, पर रॉबर्ट वाड्रा की जहां तक बात करें वो आकर एक बार खुलकर सामने भी नहीं आए हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई सफाई भी नहीं दी है। जहां की हमने मंत्रियों को, काफी मंत्रियों को देखा सरकार की, कि वो सामने आए हैं और उन्होंने सफाई दी है, पर रॉबर्ट वाड्रा अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिखाई देती है जिस तरह नितिन गडकरी आपके एलिगेशन को फाइट कर रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा छुप रहे हैं एलिगेशन से। देखिए, क्लियर डिस्टिंक्शन है भी और कई जगह ये दिखता है कि ये सब बस दिखावा ही चल रहा है, क्योंकि पहले दिन वीरप्पा मोइली साहब, उस वक्त जो मंत्रालय देख रहे थे कॉर्पोरेट अफेयर्स का, उस वक्त उन्होंने पहले दिन ये कहा था कि हाँ जी, मैंने अपने डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को कहा है कि वो जरा मीडिया में देखें क्या है, इसके मामले को बताएं। ऐसा लगा इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो उन्होंने आगे देखिए सफाई दी, नहीं नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहा। अब पता चल रहा है कि कुछ इनकम टैक्स रेड्स वगैरह हो रही है, लेकिन कौन जांच कर रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो जांच करने का अधिकार नहीं है ये सारे मुद्दों का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो सिर्फ इनकम की जांच करेगा, इनकम टैक्स वॉल्यूशन की जांच करेगा, तो जांच कहाँ हो रही है? जांच का दिखावा हो रहा है क्या? क्या ये दिखाया जा रहा है कि देखो हम सीरियस हैं और माने सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए दिखावा किया जा रहा है, और वो दिखावा फिर उल्टे बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस वाले अपने नेताओं के लिए क्यों नहीं कर रहे? तो ये सब मुझे कहीं ना कहीं दिखावा दिख रहा है। ऑलराइट।
All right, thank you, Manish Sisodia, member India Against Corruption, for joining us with your reactions to Gadkari's defense.